इस वीडियो में हम बात करेंगे फायरवॉल का जो आईपी एड्रेस रहता है, मैनेजमेंट आईपी एड्रेस, उसको हम कैसे चेंज करें और कैसे असाइन करें स्टैटिक आईपी। सो फिलहाल हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट आईपी एड्रेस है 1.33 एंड डीएचसीपी के थ्रू आईपी असाइन हुआ है 192.168.133 जो हमने एक्सेस किया हुआ है। सो आईपी चेंज करने के लिए जस्ट गो टू द डिवाइस, क्लिक ऑन द इंटरफेस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मैनेजमेंट इंटरफेस क्रिएटेड है। तो जस्ट यहाँ पे डीएचसीपी है, सो हमें उसको चेंज करके स्टैटिक में कन्वर्ट करना है। अगर आपको स्टैटिक असाइन करना है, जनरली हम फायरवॉल पे ऑलवेज स्टैटिक आईपी असाइन करते हैं क्योंकि वो डिवाइस हम सिस्टम एंड पे एज ए गेट पे यूज करेंगे जो ट्रैफिक पास होगा फायरवॉल के थ्रू, मीन्स पालो अल्टो के थ्रू। सो हम असाइन करते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। सो फिलहाल 192.168.1.33 मैं अभी सेम आईपी असाइन कर रहा हूँ एज पर माई नेटवर्क रेंज जो प्रीवियसली डीएचसीपी पे था। अभी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में मैंने इनेबल किया एचटीटीपीएस एंड एसएसएच, ये दोनों सिक्योर है, इसकी वजह से मैं ये दोनों पे इनेबल बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर आपको एडिशनली एचटीटीपी और टेलनेट करना है तो आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ सिक्योर वे टू कम्युनिकेट, सिक्योर वे टू एक्सेस द फायरवॉल। सो और पिंग इनेबल किया हुआ है जिसे हमें पता चला कि डिवाइस इज अप एंड रनिंग है। अगर हमें स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से परमिट करवाना है, मतलब वो फ्रॉम स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से ही ये डिवाइस एक्सेस हो, तब जाके हम ऐड कर सकते हैं जस्ट आपका आईपी एड्रेस और डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर सकते हो जो जो सिस्टम में से एक्सेस कर रहे हैं या एडमिन पर्सन जो ये एक्सेस करने वाला है वैसे। ओके, फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट लिमिटेड जस्ट हमने जो हमने गलती से क्लिक किया था परमिटेड आईपी एड्रेस आपको दिखाने के लिए, इसकी वजह से हमें ये फिर से स्टेप प्रोसीड करना पड़ रहा है। 0.182.168.1.1 ये मेरा गेटवे आईपी एड्रेस है। एमटीयू वैल्यू मेंशन है, स्पीड ऑलरेडी मेंशन है। ओके, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, नाउ यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कमिट पे। यहाँ पे दो ऑप्शन रहते हैं, कमिट ऑल चेंजेस एंड कमिट। सो अगर हम स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन है तो हमें मेक श्योर कि ऑलवेज जो कमिट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक एडमिन से ही कर रहे हैं, ना कि हम कमिट ऑल चेंजेस कर रहे हैं। कभी क्या हो रहा है कि मल्टीपल आईटी एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं तो वो जनरली कमिट ऑल चेंजेस को क्लिक, मतलब मल्टीपल एडमिन लॉग इन करते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, बट बाई गलती से अगर आपने ये क्लिक कर दिया तो जो वो चेंजेस कर रहे हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। सो जनरली वी प्रिफर करते हैं कि कमिट चेंजेस मेड बाय जो स्पेसिफिक आपका एडमिन है उसके थ्रू आप प्रोसीड करें, जस्ट कमिट। जस्ट थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा एंड रिकॉर्डिंग। सक्सेसफुली जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हमने किया था वो इंप्लीमेंट हो चुका है, जस्ट क्लोज। यहाँ पे हम अभी डैशबोर्ड पे देख पाएंगे कि आईपी जो मैनेजमेंट आईपी है वो आपका स्टेटिक दिखाएगा इंस्टेड ऑफ डीएचसीपी। है मैंने जो आईपी यूज किया है वो सेम ही आईपी यूज किया है। ओके, सो इस वीडियो में हमने सीखा हाउ टू चेंज द मैनेजमेंट आईपी एड्रेस।